बारे में। आओ दोस्तों तुमको बताएं हम पर्यावरण के बारे में। अगर चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। चाहिए स्वच्छ हवा तो हरियाली बढ़ाओ आंगन में। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। सुंदर छोटा हो घर हमारा जिसमें लगा हो वृक्ष हरा। फूल लतर से दीवारें सजी हो आंगन लगे तब हरा भरा। छोटा सा एक घर बनाओ हर आंगन में वृक्ष लगाओ। स्वच्छ निर्मल हवा मिलेगी हर जीवन को खुशहाल बनाओ। दोहन किया प्रकृति को हमने अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। दोहन किया प्रकृति को हमने अब ना हम खिलवाड़ करेंगे। वृक्षारोपण करके हम अपनी भूल सुधारेंगे। कह रही है ये धरती फूल खिला दो मेरे आंचल में। दिए गए बच्चों के एक एक बच्चे के पास एक एक वृक्ष पहुंचा, लेकिन वो साकार कब होगा? मैं उस पौधे को वृक्ष में तब्दील कर सकूं, और वो होगी आपकी इच्छा शक्ति से। तो बच्चों हमने ये सभी पेरेंट्स भी सुन रहे हैं कि पिछली बार संकल्प लिया था कि हम लोग स्वच्छता में भागीदार बनेंगे। हमारे विद्यालय को, हमारे समाज को, हमारे प्रांगण को, हमारे घर को साफ सुथरा रखेंगे।
तभी अगली बार हम ये प्रण करके जाएं कि मेरे द्वारा जो पौधा लगाया गया है वो पौधा वृक्ष में तब्दील हो जाए। जी हाँ, और वो होगा आप लोगों की मेहनत से, परिश्रम के द्वारा। तो यही है कि केवल सरकार का ये अभियान नहीं बने, आज हमें बच्चों ने भी कहा है कि धरती के आंगन को सजाना है तो हमें वृक्ष रोपित ही नहीं करना बल्कि उसको सींचना भी है, उसको अपने बच्चे की तरह पालना भी है। तो मेरा सभी बहनों से और भाइयों से हाथ जोड़ करके ये निवेदन है, आपके घर में जो पौधा पहुंचा है उसको आप अपने बच्चे की तरह पालें, और फिर जो खुशी मिलेगी ना वो सुनीता शर्मा कह सकती है कि शायद आपको 5-4 बच्चे पाल करके नहीं मिल सकते, वो खुशी मिलती है हमको पेड़ पालते हैं। तो बस मेरा यही हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो पौधे पहुंचाएं उनको पेड़ बनाएं।